महाराष्ट्र के परभणी जिले का फर्जी शिक्षक घोटाला कांड इन दिनों देश में खासी चर्चा में है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के बावजूद भी परभणी जिले के 5 शिक्षा अधिकारी और बिचौलियों ने मिलकर सैकड़ों शिक्षकों की फर्जी भर्ती की और साठ गांठ के साथ करोड़ों रुपए के खेल खेल लिया है। मजेदार बात तो यह है कि 2 बार जांच होने के बाद भी अभी तक दोषी अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। महाराष्ट्र के परभणी जिले का फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला कांड, शिक्षा अधिकारी और कर्मचारियों की साठगांठ, बिचौलियों द्वारा किया गया करोड़ों रुपए का लेन देन, महाराष्ट्र सरकार के नियमों के खिलाफ शिक्षक नियुक्ति, सरकारी नियमों को ताक पर रखकर की गई सैकड़ों सहायक शिक्षकों की भर्ती। महाराष्ट्र के परभणी जिले का शिक्षक फर्जी भर्ती घोटाला कांड इन दिनों काफी चर्चा में है। परभणी जिले में इस घोटाले द्वारा शिक्षकों की फर्जी भर्ती की गई, जिसमें 5 शिक्षा अधिकारी दोषी पाए गए। साथ में शिक्षा उप संचालक जांच समिति द्वारा की गई तहकीकात में कुछ दस्तावेजों के साथ छेड़खानी भी की गई। इस घोटाले में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों शिक्षकों की फर्जी भर्ती की गई। इस घोटाले में बिचौलियों ने करोड़ों रुपए का लेन देन किया। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में सरकारी नियमों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति बंद है, इसके बावजूद भी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर परभणी जिले के शिक्षण अधिकारी मुख्यालयों के अध्यापकों ने साजिश कर सैकड़ों शिक्षकों की अपॉइंटमेंट की। इसमें करोड़ों रुपए शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलियों ने बनाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक भर्ती पर महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा रखी है, इसके बावजूद अधिकारियों ने साठगांठ के साथ करोड़ों रुपए का खेल कर दिया। सन 2012 से अभी तक के नियुक्त शिक्षण अधिकारी बीआर कुंडगीर, अशोक आठवले, विठल भुसारे, श्रीमती वंदना बाहुल और विद्यमान शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़, इनके कार्यकाल में हुई शिक्षकों की भर्ती का ये फर्जी कार्ड सामने आया है। जिले के कई निजी शिक्षा संस्थाओं में इन 5 शिक्षकों की करतूतों का खुलासा हुआ। इस फर्जी भर्ती में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़खानी भी की गई, जिसकी जानकारी हाथ लगी है। जांच कमेटी की ओर से 2 बार जांच की गई, मगर कार्रवाई को लेकर अभी तक शिक्षा अधिकारी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मुद्दे पर हमारे प्रतिनिधि महबूब शेख ने शिकायतकर्ता स्थानीय लोगों से संपर्क कर उन प्रतिनिधियों से एमकेएन न्यूज के लिए बातचीत की। परभणी जिले में जो शिक्षा विभाग में जो बोगस शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला जो तथाकथित मीडिया में चल रहा है, जो चर्चा चल रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, परभणी जिला शिक्षा यानी शिक्षण विभाग का घोटाला है। परभणी पूरे जिला महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ है। इस सिलसिले में बहुत सारे NGO ने, समाज माध्यम में बहुत सारे लोगों ने प्रशासन को तकरार किए हैं, मंत्रालय को तकरार दिए हैं। और अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है मिलाद जोंदड़ी जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर उठाया है। मैंने एक निवेदन दिया है मेरे BJP के लेटर पैड पे, परभणी के जो जिला परिषद के जो शिक्षण अधिकारी है, वो शिक्षण विभाग है, उस उन्होंने जो शिक्षण भर्ती की है वो बोगस है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में कौन सी ही भर्ती निकली नहीं है शिक्षण भर्ती विभाग में। अगर नहीं निकली फिर भी उन्होंने बोगस शिक्षक भर्ती की है और उसमें लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, और इसके ऊपर कई बार 2 शिक्षकों को, उसके ऊपर अधिकारियों को, 2 अधिकारियों को, शिक्षण अधिकारियों को निलंबित भी किया है, कार्रवाई भी की है, मगर मामले दर्ज हो गए, कानूनी मामले दर्ज, पूरे कानूनी मामले दर्ज हो गए हैं, मगर अभी तक उस मामले में 5 अधिकारी है। अच्छा। और 5 अधिकारियों में से 2 अधिकारियों तक कार्रवाई हो गई है। तो मेरा एक कहना है निवेदन के माध्यम से सरकार को कि भाई हम ये निवेदन दे रहे हैं कि शिक्षण विभाग, शिक्षण एक मंदिर होता है और उस मंदिर में देवता अधिकारी लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं। अगर उन लोगों को, अगर भगवान विद्यार्थियों के साथ ऐसा अन्याय करते हैं, देखो बोगस भर्ती बोले तो जो लोग पैसा ले दे के अगर भर्ती करते हैं तो उनको कोई नॉलेज नहीं होता, और अगर उनको नॉलेज नहीं होगा तो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएंगे, शिक्षा क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए अपना महाराष्ट्र और अपना जिला पढ़ाई के बारे में पीछे रह जाएगा। तो मेरा ये कहना है, आप आपके मतलब के खातिर
आपके स्वार्थ के खातिर इन विद्यार्थियों का, इस देश के भविष्यों का, इस परभणी जिले के भविष्यों का नाश कर रहे हो, विनाश कर रहे हो। तो मुझे कहना है ये अधिकारियों के ऊपर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री, मैं इन तीनों मंत्रियों को मैं निवेदन करता हूँ कि ये शिक्षण विभाग के जो अधिकारी करप्ट है, जो अधिकारियों ने शिक्षण भर्ती बोगस की है, उनको तुरंत कार्रवाई करके कायम स्वरूप ही सस्पेंड करो। और एक मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी लोग ये भ्रष्ट होते हुए भी उनकर जो कलम लगाए हुए हैं, जो कायदे से उन्होंने कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई से अभी तक वो अधिकारी लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है, ना वो अटक हुए हैं और ना वो उनका कोई कुछ बाल बाका हुआ है। तो मुझे पुलिस प्रशासन पे थोड़ा डाउट आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अधिकारी लोगों से कुछ ले दे के उनको छोड़ दिया कि क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। मगर मैं आपको पूरे परभणी जिले को वचन देता हूँ कि मैं मेरे माध्यम से परभणी की तरफ से और सर शिक्षण विद्यार्थियों की तरफ से और परभणी के सबके लोगों की तरफ से मैं मंत्री लोगों को जाके खुद ये निवेदन देने वाला हूँ और रुकने वाला नहीं हूँ। जब तक ये करप्ट अधिकारी यहाँ से नहीं निकल जाते तब तक मैं चुप नहीं बैठूँगा। मैंने अभी अभी परभणी जिले के जो भी फर्जी शिक्षक भर्ती हुई है उस भर्ती के जरिए निवेदन दिया है कलेक्टर ऑफिस को और जिला परिषद को। मैंने निवेदन दिया है इस भर्ती में जो करोड़ों का गबन हुआ है, उस गबन करने वाले जो भी अधिकारी है उनको बचाया जा रहा है। और ये मामला हमने मुख्यमंत्री तक भेज दिया है, लेकिन देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। ये थे हमारे साथ नेशनल अंबेडकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नामदेव दिपके सर। और अब ये बता दें कि हम जब सुबह से यहाँ पे इस बारे में यहाँ के शिक्षण अधिकारी से संपर्क करने की जब कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने, उनका नाम नहीं बताऊँगा मैं, तो वो बोले कि हम बाहर हैं। तो इस बारे में दूसरे जो शिक्षण अधिकारी है उनसे भी संपर्क किया गया मोबाइल पर, तो उनका भी कहना है कि बाहर गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इन पर जो आरोप है उसकी प्रतिक्रिया देने को टाल रहे हैं। तो परभणी एजुकेशन सोसाइटी परभणी का मैं एम्प्लॉय हूँ, 11-12 साल मेरी सर्विस हो चुकी है और सोसाइटी ने मुझे 3.2 में ऑर्डर दिया है। जिस सोसाइटी ने मुझे, सोसाइटी में वाद है जिसमें 6 लोग सीनियर एक तरफ है और एक आदमी एक तरफ है। तो यहाँ पर जो है तो जिस एक आदमी की तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया उसको है तो भुजारे साहब ने बीच में दलाली करने के थ्रू वालों के थ्रू उसको है तो कायम का पद का मान्यता दे दी। और मुझे जो है तो 15 महीने से मेरी पगार बंद है। और ये सब साबित होने के बाद हमसे कहा गया था कि आपकी हियरिंग ली जाएगी, चैरिटी कमीशन से आपकी मालूम दी जाएगी, लेकिन किसी तरह की कोई हियरिंग नहीं ली गई, किसी तरह से कोई है तो मार्गदर्शन नहीं मंगाते हुए कल यहाँ पर मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई। और इन्होंने है तो सिर्फ एक आदमी की साइन की बुनियाद पर कायम मुख्यतः पद का है तो सामने वालों की तरफ से डिसीजन दे दिया है। और अगर ये डिसीजन वापस नहीं होता है तो मैं तो यहाँ पे उपोषण के लिए बैठने के लिए मैं उनको आगाह करता हूँ। और यहाँ तक मैं तो आमरण उपोषण और आत्मदहन की भी उनको वो बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मेरे बीवी बच्चों और मेरे बाल बच्चों को कुछ होता है और मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ईओ भुसारे साहब रहेंगे। आज हम इस रिपोर्ट में इस कांड की पहली किश्त आपको बता रहे हैं और शीघ्र ही इस कांड की दूसरी किश्त भी आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए MKN न्यूज़। नमस्कार।